ठीक है ठीक। देखा मम्मी के खुशी के आंसू देखा तुमने। गाइज ये बैग है जिसमें बेबी का सारा सामान है और मम्मी का सारा सामान है, मतलब बेबी की मम्मी का सारा सामान है। और ये बैग है स्पेशली मेरा, मैं अभी अपने, मैंने कहा जब सब लोग लेकर जा रहे हैं, मतलब माँ का हो गया, बच्चे का हो गया, तो बाप क्यों पीछे रहे भाई। मैंने भी अपना एक बैग भर लिया ज़बरदस्ती, कुछ कुछ सामान रख लिया इसमें। अब देखूँगा उसमें से कितना यूज़ होएगा कितना नहीं, मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा यूज़ होएगा, पर मैंने रख लिया। एनीवेज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अपनी गाड़ी की हालत, अरे भाई साहब क्या ही दिखाऊं, बस तुम्हें छोड़ो। आई होप आप सब लोग अपने घर पर ठीक ठाक होगे, मज़े कर रहे होगे। भाई रात को बज रहे 3:30 और हम यहाँ हॉस्पिटल में अकेले, मतलब सबको मैंने जानबूझ के भेज दिया कि सुबह आ जाना। ऐसे ही लग रहा है जैसे चेक इन कर लिया है गाइज होटल में हमने। यहाँ ये बैग रख दिए, ये मच्छर, सॉरी मच्छर, घूमने आइए या सोने आइए, चलो उठ। मेरे कपड़े गोवा लुक में रहता हूँ मैं हमेशा, सुबह नहा के चेंज करूँगा वो भी लाया हूँ। अरे क्या है ये, ऐसी आवाज़ क्यों कर रहा है, देखो ना कैसी आवाज़ कर रहा है, अजीब सी बच्चे जैसी आवाज़ निकाल रहा है। भाई मैं बैग बैग सारे ले आया, मतलब पहले ही ले आने चाहिए थे हमें, पर मैं लाया नहीं था, फिर मैंने सोचा ले ही आऊँ। अब अपना जब प्राइवेट रूम है ही, यहाँ हम कुछ भी करें चाहे, तो 2 दिन अपने यहीं कटेंगे भाई। लाइट हमने थोड़ी सी कम कर रखी है क्योंकि रात के, पता कितने बज रहे हैं, ये देखो रात के 3 बज रहे हैं भाई, ज़्यादा नहीं बजे, 4 बजे डॉक्टर आएंगे, तो 1 घंटा सो लो। क्यों हैं, मैं भी सो रहा हूँ थोड़ा सा कुछ काम करके, आप भी सो जाओ उतने। सुबह के 11 बजे गाइस, ठीक है, और रात को मतलब उठ रहे थे, सो रहे थे, सारी चीज़ हो रही थी। अब इन्होंने फाइनली बोल दिया है कि नॉर्मल डिलीवरी तुम्हारी हम नहीं कर रहे, मतलब वो कुछ होता है टेक्निकल एम्बिलिकल कोर्ड्स कुछ गले में ऐसे फंसी हुई है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऑपरेट करके ही करेंगे। अब ऑपरेशन थिएटर में मैं भी जा रहा हूँ साथ, मेरे को ये कपड़े दे दिए। तो मैं अपनी ये वर्दी पहन के आता हूँ, ठीक है, इसमें से फिर उसके बाद चल रहे हैं। हाँ मेरे को कपड़े दे दिए, इसका मतलब अभी जा रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, मतलब अभी, क्योंकि OT में तो मैंने मतलब ऐसे सुना है कि भाई जाओ 5 मिनट में बच्चा करके और कि हो गए फ्री, हो गया काम, ऐसे होता है। अब बाकी जाके देखेंगे, मेरे को बड़ा, मेरे को, मैं, मेरा ना थोड़ा दिल ज़्यादा कच्चा है, मेरे से देखा नहीं जाता ये, जैसे मतलब मेरे से तो ऐसे देखा जाता कि किसी को इसको कल वो हाथ में वो लगा रहे थे ना, कैनूला लगा रहे थे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि वो गलत लगा दिया था इन्होंने शायद, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि गलत लगा दिया था। तो OT तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर चलते हैं भाई देखेंगे। मेरा गेटअप दिखाऊं, वो बना दिया नर्स जिंदा, देखो चलो चलते हैं। 21/9/2023 ये डेट याद रखना, ठीक है। ये इमरजेंसी फील आने के लिए लगे देख के कि हाँ कुछ वो है। चलो भाई ले चलो सवारी, नहीं चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है मेरी चप्पल, चलो भाई बाय कर दो सबको, बाय कर दो, अरे सबको बाय तो कर दो यार। बाय तो कर दो। आ रहा हूँ मैं, बस 10 मिनट में बुला लेंगे मेरे को, है ना, चलो आराम से। अरे हमारी सेम ड्रेस है इनकी और मेरी, अब देखा मैंने, दो देखा मम्मी के खुशी के आंसू देखा तुमने। ये बेबी का वेट करके आपको बताते हैं। ओ भाई पता नहीं इस टाइम पे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, पर बताऊंगा तुम्हें सारी चीजें बाद में, आराम से। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ऐसा है सुन, के नाम है, हम कितने साल के बोलिए, 20-25 साल के बोलिए, गड़े आज भी लगूंगा इस तरह। कहाँ है अभी, कहाँ है एकदम, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई एकदम से, ऐसे वो दिखा रहे, मैंने तो देखा भी ना जैसे वहाँ पर ऑपरेशन पे क्या कैसे कर रहे थे, तो पहले तो उधर का सीन भी देख लिया मैंने कि भाई ऑपरेशन से कर रहे थे तो कैसे कैसे, फिर इधर साइड उसका तो बस फेस फेस था, इधर बीच में एक पर्दा सा लगा रखा था। अब डॉक्टर ने कहा कि मनी मतलब ऐसे ऐसे कि देखो भाई हो गया, मतलब बेबी बाहर आ रहा है ऐसे ऐसे करके, मैंने उठ के देखा तो निकाल रहे बाहर, अब बाहर निकालते टाइम अब एकदम से निकाला तो एकदम से उसका रोना शुरू, तो अब वैसे सब सही है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, सब ठीक है ना, ठीक है। तो हम जा रहे फिर, है अभी देखने का काम, अंदर है पूछ ले पूछ ले, तो अभी अभी रखेंगे।
ओके भाई, आवाज आ रही थी अभी रोने की, है ना? अभी तो सही है, सही है, सही है। अभी थोड़ा सा नीचे रखेंगे। हाँ, मम्मी को कह रही मैं, भाई अभी तो नीचे रहने मुझे तो अभी कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं बता दिया, कुछ इंप्रूवमेंट करके आने सब अपना बिजी हो गए। अम्मी जी दादी बन गए आप? भाई ये क्यों लाए मौसा जी, क्यों लाए काजू बदली? मैंने कितनी, अरे रखे ही तो ना यार, दिखी देखना ही तो मुश्किल हो रहा है। अभी तक माँ और बेटा दोनों आए नहीं है वहाँ से। अच्छा मैंने अभी तक तो मैंने बताई भी ना थी कि लड़का हुआ है। अच्छा हाँ भाई, जान से पहले कह रही जब तक मैं कुछ ना खाऊं तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। और मम्मी आपने भी कुछ ना खाया? आपने भी कुछ नहीं खाया है ना? तू ही खा रहा, तेरे लिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने क्या खाया? हाँ जी क्या हाल है? जब तक ये नहीं आई थी, जब तक इसका वेट हो रहा था रूम में, अब जब ये आ गई है तो सब के हो रहा है कि बेबी कब आएगा। सब बैठ लिए कि अच्छा मिल लिए, चल ठीक है, अब मेन चीज़ कब आएगी। सबको बेबी से मिलना है। मम्मी तो बाहर ही खड़ी हो गई हमारी, ये देखो। ले भाई बारिश भी करवा दी आज तो, और क्या पहनावा, बारिश आई आज देखो भाई। मौसम नहीं था ना आज, नहीं था ना मौसम, कैडी वाली है ना। अब देख ले तू, एक नंबर तेज होएगी अभी तो भाई, तेज देख। एक आज देखो, ये इसमें दिखेगा तुम्हें, रुको। मेरे आने के बाद क्यों हुई है? हमारे भतीजे आने के बाद हुई है। दोनों गाड़ी यार गंदी पड़ी है, अभी तक रिवील नहीं करा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि, मतलब मैंने देखे यूट्यूब पे ऐसे भी करते हैं कि आज जेंडर रिवील करेंगे, आज फेस रिवील करेंगे। हाँ। अपना वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि भाई अपना जो डेली व्लॉग मैं कर रहा हूँ और उस चीज़ में जो हो रही है तो वो चीज़ हो रही है, वो डेली का तो मैं दिखाऊंगा, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो लड़का हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पहले ही गेस कर रखा था कि लड़का होएगा, पता नहीं कैसे वो कर रखा था, वो कुछ पता चल जाए। हाँ ऐसे पता ना चले यार भाई, ना मेरा बड़े बूढ़ी कह रहे हैं, पता चलता ना रात में तो फिर सब ऐसे ही बता देते, फिर तो कोई बात ही ना होती। पर जो भी पर करा वो सही करा, लोगों ने सही गैस कर रखा था, तो लड़का ही हुआ है, ठीक है। फेस रिवील का अभी जब वो आएगा नीचे तब, अगर मतलब अभी ले आएंगे तो शायद अभी दिखा दूंगा मैं, वरना मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली दी थी, कल दिखा देंगे। कल ये है कि भाई लेट लाएंगे, क्योंकि NICU में रखते हैं बच्चे को कुछ टाइम तक, तो अगर वो लेट लेके आए नीचे तो फिर मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा, कल परसों जब भी लाएंगे जब भी। हाँ ये था अपना, तो मिल आया वैसे ऊपर, मिल आया? मैं तो मिलाया अभी तक, मेरे वैसे ना दिया बोर्ड में, ना दिया और हाथ में लगा दिया, पर वो पूरे कपड़े वपड़े पहना दिए अब तो। अच्छा। तो वो पूरा सेट है उसके साइड पे, मतलब डॉक्टर की साइड सब कुछ सेट है, पर वो कुछ कुछ चीज़ें चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी उसके बाद आएगा। पूछ तो आए, एक बार पूछ यानू का भाई, अभी तो सब चीज़ें चेक कर, सब पूछा है, रात में सब कुछ होते हैं, वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस वो जो चीज़ें होती हैं कुछ कुछ टेस्ट होते हैं ना, हार्ट बीट वगैरह चेक करना, ये सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हमारा जो रूम है वो सजा दिया है, वो दिखाऊंगा तुम्हें, बलून वगैरह लगा, वो दिखा दिया मैंने, दिखा दिया। हाँ। उसमें ऐसा होता है कि अगर लड़की हुई है तो पिंक कलर के बलून लगाते हैं, और अगर लड़का हुआ है तो ब्लू कलर के। हाँ। तो अपने उसमें ब्लू लगा दिए पूरे, उन्होंने दो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ, ये देखो भाई, ये अभी ऐसी खड़ी है गंदी हो रखी है, अभी ये तुम्हारे मतलब जो कल नहीं परसों शायद यहाँ से जाएंगे तो ये सजी हुई होंगी, सजी हुई मतलब ये अपने साइड से जो लगाते हैं बलून वगैरह लगाते हैं, पर ना भाई उनकी इनकी साइड से नहीं लगवाएंगे, ये वगैरह क्या करें,
एक रस्सी बांध रखी है आगे बोनट पे लेके डिग्गी तक, ठीक है उसका फिर तीन जगह, अरे वो गंदी और लगे उस तो बढ़िया होगी ना, सही सही मैं लाऊंगा बढ़िया सी, एक नंबर डेकोरेट करवाऊंगा अपनी गाड़ी को, फिर लेके जाएंगे देख लेंगे वो तो, फिर हाँ। उसके बाद घर चलेंगे, अभी तो नीचे लाए उसे कुछ तो सब लोग वेट कर रहे हैं, सब इसी चीज का वेट कर रहे हैं, सब रुचि का आने के पैसे पहले सब ये वेट कर रहे थे कि भाई रुचि को आए, जब वो आ गई उसके बाद सबको कह रहा है यार बेबी कहां है, बेबी को तो लेके आओ लाओ, भाभी तो आ गई अभी, भाभी सो रही है मस्त, वो सो रही है कि भाई इसकी दवाई वाई चलेंगी, और फिर पहले हमारा ये प्लान था कि नॉर्मल डिलीवरी का, पर वो उसमें वो थी गले में एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो गले में ऐसे मतलब पूरा ऐसे वो था घूम जाता है, ठीक है अब डॉक्टर ने, मैं डिलीवरी के टाइम पे मैं अंदर ही था बिल्कुल अंदर जहाँ चल रहा था मतलब ऑपरेशन थिएटर में था, ठीक है और वहाँ पे उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने निकालते टाइम मेरे को दिखाया कि पूरा गले में ऐसे बंधी हुई थी, तो उसने ऐसे खोल के और तब निकाला, तो वो एक्चुअली ना थी, तो बहुत चीज़ें रहती हैं भाई, मुझे तो पता ना इसे पता भाई सब कुछ ऐसे लगा ले कि मैं जब अंदर घुसा हूँ तो पूरा पेट एक तरह से वो खोल सा रखा था, और वो बीच में एक पर्दा सा लगा देते हैं बस कि पेशेंट को ना दिखे, जिसका पेट है उसे ना दिखे, पर बहुत खतरनाक सीन था भाई, मैं तो ऐसे और ऐसे निकाला ना जैसे बाहर निकालते टाइम में किया ऐसे ऐसे आ गया बेबी बाहर आ गया ऐसे डॉक्टर ने बोलते बोलते, और वो साइड में कुछ शिवजी भगवान का कुछ वो चला रखा था, बताना कौन था शिवजी का कोई मतलब भजन चला रखा था, तो सही है एकदम से ऐसे मैंने कहा सही है भाई, आते ही फिर उसे थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा ना रोया पर रोया थोड़ा थोड़ा अपना रोया मस्त, फिर उसे साफ सफाई से जब मैं देखा जब देख कर रो रहा था उठा रहा था ना, चलो कोई ना कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो भाई तुम, ठीक है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आचो 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 हाँ कोई बात नहीं अभी ऐसे ही ठीक है, लाइट से वैसे भी दिक्कत होगी, हाँ जी ये फिटिंग का बॉक्स है ले दो, सब लोग इसका इतना बेसब्री से वेट कर रहे हैं और ये सबको इंतजार कराया जा रहा है, देख लो भाई रो क्यों रहा है बेटा, रो क्यों रहा है, क्या दे रहे हो माँ मुँह दिखाई दे रहे हो, मेरे से देना उसका हिस्सा, उसका हिस्सा मेरे से देना, भी वो तो ले ना पाएगा, बड़े डबल ले ले के लिए मैं स्टाफ को बुला लेना, कभी तो स्टाफ आ जाएगा, ठीक है इस बेड पे हमारा मच्छर सो रहा है और इस बेड पे हमारा बेबी सो रहा है, ठीक है और बाकी सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं भाई, और यहाँ रह गया मैं इस पे, मेरा ये छोटा बेड, इन्होंने पता नहीं छोटा क्यों रखा है, एक और रूम भी था उसमें भी छोटा मतलब जो इससे बड़ा एक रूम और था, पर वो अजीब सा था, उसमें ऐसा था बहुत लंबा ऐसे लंबा जाके, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया इसलिए मैंने ये वाला रूम करवाया था, खैर इन्हें सोने देते हैं, इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ, थैंक यू सो मच, मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ये वो, सबको सबको थैंक यू दिल से थैंक यू, आगे क्या क्या होगा वो देखते हैं भाई, क्या सीन चलेगा, अभी तो नामकरण भी होना है, अभी दो या तीन दिन शायद हम यहीं रहेंगे, जैसे भी रहेगा तुम्हें पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो देख रहे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।